हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम आलोक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड फेज ऑफ सेक्शन 1 ऑफ योर हिस्ट्री बुक। तो सेकंड फेज है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। पहले हम सोशलिज्म इन यूरोप की बात करेंगे, फिर बाद में रशियन रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो सोशलिज्म इन यूरोप में सबसे पहले है द एज ऑफ सोशल चेंज। लास्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रीडम और इक्वलिटी के पावरफुल आइडियाज़ सारे यूरोप में फैल गए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले फ्रांस में सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। हमने पढ़े थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। इससे यूरोप और एशिया सहित पूरी दुनिया में सोशल पावर की बात होने लगी, मींस डेमोक्रेसी की बात होने लगी, इंडिविजुअल राइट्स की बात होने लगी। यूरोप में सभी कंप्लीट चेंज नहीं चाहते थे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज चाहते थे, कुछ सब कुछ चेंज कर देना चाहते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे चेंज हों लेकिन धीरे धीरे। तो ये जो थ्री डिफरेंस आइडियोलॉजी वाले लोग थे, ये थे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब समझते हैं कि कौन थे ये लोग, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लिबरल्स की। तो जो लिबरल्स थे वो ये चाहते थे नेशन ऐसा हो जिसमें सभी धर्म के लोगों को जगह मिले, ना कि एक धर्म के लोगों को। ये मोनार्की के अगेंस्ट थे जिसमें राजा और उसकी फैमिली ही रूल करती थी। ये इंडिविजुअल राइट्स पे बिलीव करते थे कि सबको समान अधिकार मिले। ये वेल ट्रेंड जुडिशरी चाहते थे, लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, मतलब ये लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं चाहते थे। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो अथॉरिटी हो या गवर्नमेंट हो उसको वही चुने जिनके पास प्रॉपर्टी है, मीन्स अमीर लोग। और ये इसके भी खिलाफ थे कि वुमेंस को वोट देने का अधिकार मिले। अब हम बात करते हैं रेडिकल्स की। ये लोग चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पर बेस्ड हो, मीन्स सभी को वोटिंग राइट्स मिले। इन्होंने सफ्रागेट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया जो महिलाओं को वोटिंग राइट दिलाने के लिए चलाया गया था। ये लिबरल्स के अगेंस्ट थे क्योंकि लिबरल्स ग्रेट ऑनर्स, ग्रेट लैंड ऑनर्स और अमीरों का समर्थन करते थे। रेडिकल्स प्रॉपर्टी का कुछ लोगों के हाथ में होने के खिलाफ थे। अब आते हैं कंजर्वेटिव। ये लोग थोड़ा अलग थे, ये रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के अपोजिट थे। ये चाहते थे चेंजेस हों बट स्लो प्रोसेस से, पास्ट को रिस्पेक्ट देते हुए नेशन में चीज़ें धीरे धीरे बदलें, ऐसा इनका सोचना था। अब है हमारी हेडिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लोग सभी समझते होंगे, जब न्यू मशीनरी इन्वेंट हुई, नई फैक्ट्री सेटअप होने लगी, नए शहर बनने लगे, रेलवे एक्सपेंड होने लगा, ये टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सभी फैक्ट्रीज में वर्क करने लगे। वर्किंग आवर्स ज़्यादा होता था लेकिन वेजेस कम होते थे, और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती थी तो ये लोग बेरोज़गार हो जाते थे। शहर फैलते जा रहे थे, रहने के लिए घर नहीं मिलते थे वर्कर्स को, ना सैनिटेशन था। इस प्रॉब्लम को लिबरल्स और रेडिकल्स सॉल्व करने लगे। ओके, वो सॉल्यूशन ढूंढने लगे इसका कि कैसे इस प्रॉब्लम को कम किया जाए। अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे इनके पास कई सारी प्रॉपर्टी थी, जैसे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। तो इन्होंने सोचा कि ये लोग जो वर्कर्स हैं इन्हें अपनी प्रॉपर्टी में काम देंगे, इससे इनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। इनको नेशनलिस्ट लोगों ने भी सपोर्ट किया, और ये मोनार्की को हटा देना चाहते थे। ये चाहते थे सभी इंडिविजुअल्स को इनका राइट मिले। अब है हमारी हेडिंग द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब जो सोशलिस्ट थे वो नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टीज़ किसी इंडिविजुअल के हाथ में हो, इससे वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगे। कुछ लोगों ने कोऑपरेटिव को सपोर्ट किया। कोऑपरेटिव मींस होता क्या है पहले ये समझ लें। कोऑपरेटिव मींस कुछ लोगों द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और जो प्रॉफिट हो उसे आपस में बांट लेना। इस थ्योरी को रॉबर्ट ओवन, एक जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। ओके, एक और सोशलिस्ट थे लुइस ब्लैंक, इन्होंने कोऑपरेटिव को सपोर्ट तो किया लेकिन इनका बोलना था कि जो ये कोऑपरेटिव्स हैं वो कौन बनाए, गवर्नमेंट बनाए। अब दो और सोशलिस्ट थे, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स।
उन्होंने बोला कि जो ये कॉपरेटिव्स हैं ये कैपिटलिस्ट का ही पार्ट है। कैपिटलिस्ट मीन्स जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और ये लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगे ना कि वर्कर्स का। तो इन्होंने बोला कि जो वर्कर्स हैं उनकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए, उनके बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे जो हम कॉपरेटिव्स बनाएंगे उससे सिर्फ इंडिविजुअल जो उसके प्रॉपर्टी के ऑनर हैं उनको ही प्रॉफिट होगा। अब है हेडिंग सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। 1870 तक जो सोशलिस्ट के आइडियाज़ थे वो पूरे यूरोप में फैल गए। उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी भी बनाई जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर भी बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने डिमांड की कि वर्किंग आवर्स कम किए जाएं और इन्हें वोट देने का अधिकार मिले। जर्मनी में ये एसोसिएशन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे SPD भी कहते हैं उसके साथ काम किया इसने। और उसके बाद 1905 में इन्होंने ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनाई और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनाई। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ये एक भी इलेक्शन नहीं जीत सके। ओके, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट जो थी वो कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के हाथ में ही रही। वर्कर्स को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। ये था हमारा सोशलिज्म इन यूरोप। रशियन रिवॉल्यूशन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। Thank you so much for watching the video.